रोज रोज नाश्ते में क्या बनाया जाए, ये तो कभी ना ख़त्म होने वाला सवाल है। आज मैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ डायबिटिक फ्रेंडली ग्लूटेन फ्री ज्वार इडली की रेसिपी। इसी के साथ चटनी बनाना भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखें। इडली के लिए हमें कुछ चीज़ें भिगानी हैं। तो सबसे पहले 2 कप ज्वार लेंगे। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर लें। अगली चीज़ जो इसमें डलेगी वो है 1 कप उड़द की दाल और आधा चम्मच आप मेथी दाना ले लें। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कटोरी से नाप ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को एक बड़े से बर्तन में डाल लेना है और 3 से 4 बार साफ पानी से धो लेना है ताकि सारी गंदगी निकल जाए। धुल जाने पर इसमें पानी भर ले, इतना कि सारी दालें अच्छे से भीग जाएं। और अब इसे ढककर 6 से 7 घंटे के लिए भीगने दें। यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से भीग चुकी हैं। भीगने पर यह हल्की सी फूल सी जाएगी। इसका अब आप सारा एक्स्ट्रा पानी फेंक दें और इसे मिक्सर जार में डाल दें। जैसे आप नॉर्मल इडली के लिए पीसते हैं ना, सेम उसी तरह से इसे पीसना है। थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस सकते हैं, पर ज़्यादा ना डालें। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके पूरे बैटर को पीस लिया है और इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है। इसी बर्तन में हमें इसे फर्मेंट करना है, तो आप थोड़ा बड़ा बर्तन लें। अब इस पिसे हुए बैटर में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक डल जाए तो अब इसे मिलाना है, चम्मच से नहीं हाथों से। जी हाँ, हाथों से मिक्स करने से बैटर बहुत ही अच्छा फर्मेंट होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, आप भी इसे ट्राई करके रिजल्ट देखिएगा। तो 3-4 मिनट आप हाथों से इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाएं। बैटर अच्छे से फिट चुका है, अब इसे ढककर ओवरनाइट फर्मेंट होने देंगे। ओवरनाइट फर्मेंट करें या कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट करें। सुबह सुबह बैटर फर्मेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं फूल कर ये एकदम डबल हो गया है और कितनी बढ़िया जाली आई है। बैटर अगर अच्छा फर्मेंट होगा तभी इडली सॉफ्ट बनेगी। हल्के हाथों से आप इसे मिला सकते हैं। ज्वारी की इडली का बैटर तैयार है, अब इसे इडली बना लेते हैं। सबसे पहले इडली स्टैंड को तेल लगाकर ग्रीस कर ले, जिससे ये चिपकेंगे नहीं। अब एक एक करके बैटर को पोर करें। ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि ये स्टीम होने पर फूल जाती है। बैटर भी भर लिया, अब स्टीमर को देख लेते हैं। यहाँ मैंने स्टीमर में पानी गरम करने रखा था। गरम हो जाने पर इसमें इडली के स्टैंड को रख ले। दोनों स्टैंड को रखकर इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो है ना बहुत ही हेल्दी नाश्ता। इडली स्टीम हो गई है, इसे इस तरह से स्टिक डालकर चेक कर ले। इडली को निकालने के पहले हल्का ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक हम फटाफट से नारियल की चटनी बना लेते हैं। तो एक मिक्सर जार में 1 कप फ्रेश नारियल ले, इसमें मिर्ची अदरक और लहसुन डालें, 1 चम्मच दालिया, थोड़ा कढ़ी पत्ता, ढेर सारा फ्रेश हरा धनिया, नमक और पानी डालकर पीस लें। बहुत ही बढ़िया नारियल की चटनी बनकर तैयार है। इसे एक बाउल में निकालेंगे, अब उस पर एक तड़का डालेंगे। तो पैन में तेल ले लिया है, तो इस गरम तेल में राई, जीरा, थोड़ा सा दालिया, कड़ी पत्ता, मिर्ची डालेंगे और इस गर्मा गर्म तड़के को चटनी पर डालेंगे। ये चटनी इडली के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसे आप ज़रूर बनाएं। इडली हल्की ठंडी हो गई है, इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरह का पतला सा चम्मच लें और आप इसे निकालें, इससे ये तुरंत निकल जाती है। देख सकते हैं कितनी जालीदार इडली बनी है, छूने पर ही ये एकदम सॉफ्ट लग रही है। ऐसे ही मैं बाकी की इडली को भी निकाल लूँगी और स्टैंड में मैं दूसरा बैच इडली का लगा दूँगी।
साथ में बनाई हुई नारियल की चटनी को भी सर्व कर लें। तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट और जालीदार बनी है। इस जवार इडली के आप फैन हो जाएंगे, तो एक बार तो बनाकर इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।